सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम खेल रहे हैं द बेबी इन येलो और हमारा चैप्टर है पिक मैन मैडनेस। तो गाइस, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि भाई हमने कैसे भूतिया बच्चे से चाबी छीना था। भाई यार बहुत ज्यादा मजा आया था और गाइस यार मेहनत भी बहुत लगा था। भाई इतना आसान थोड़ी है कि येल्लो बेबी से कोई चाबी छीन ले, बट गाइस हम सब ने मिलकर ये कर दिखाया। अब गाइस हम ओपन करेंगे जो दरवाजा लॉक है उसको और गाइस देखेंगे कि भाई यार दरवाजे के पीछे क्या है, दरवाजे के पीछे। हाँ तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई वीडियो को लाइक कर देना और गाइस जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक ना। और गाइस अगर आपको इस गेम के बारे में नहीं पता तो देखो गाइस क्या होता है। इसमें एक भूतिया बच्चा होता है येलो बेबी, जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो गाइस हमने पिछले पार्ट में बहुत ख्याल रखा और बदले में भाई उसने हमें बहुत डराया। तो गाइस अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, भाई हम यहाँ से भागने वाले हैं, लेकिन सभी दरवाजे बंद हैं। गाइस पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे और गाइस कभी भी भूतिया बच्चा आ सकता है और हमें भाई डरा सकता है, खा भी सकता है, भाई पता नहीं क्या करेगा। तो गाइस हमारे सामने एक डोर है तो चलो इसको ओपन करते हैं, भाई शायद हम बाहर निकल जाएंगे। ओ भाई यार यहाँ पर एक और डोर है गाइस, भाई यहाँ से बाहर निकलना भाई बिल्कुल आसान नहीं है। चलो इसको भी ओपन करके देखते हैं भाई ये कौन सा रूम है, हम कहाँ आ गए हैं। गाइस अंदर जाकर पता चलेगा, शायद हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ओ भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है गाइस, यार ये तो फ्यूज बॉक्स है भाई, ये खाली है और गाइस यहाँ पर नो पावर लिखा हुआ है। तो हमें लगता है कि भाई यार इसको पावर देना पड़ेगा तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और गाइस पावर देने के लिए भाई यार हमें फ्यूज लगाना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले फ्यूज ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो इसको ओपन करते हैं। ओ भाई यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूज, तो गाइस हमें मिल गया है फ्यूज। चलो जल्दी से इसको लगाते हैं और भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं। गाइस हमें इस फ्यूज को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो चलो लगाते हैं। ओ भाई ये बिल्कुल फिट हो गया है गाइस, और भाई यार हमें एक और फ्यूज चाहिए जिसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो चलो गाइस यार एक और फ्यूज लेकर आते हैं और गाइस मेरे को लगता है यहाँ पर दूसरे कलर का फ्यूज लगेगा, तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं। भाई यहाँ पर तो एक ही फ्यूज है, चलो गाइस इसी को लगा कर देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। अरे यार ये तो रॉन्ग फ्यूज है गाइस, हमें दूसरा फ्यूज लगाना ही पड़ेगा। ओ भाई यहाँ पर दिया हुआ है ब्लू कलर का फ्यूज, तो गाइस ये तो जरूर लगेगा, तो चलो गाइस इसको लगा कर देखते हैं। ओ भाई यार ये लग गया है भाई, ओ बट यार भाई पावर अपना भाई यार अभी तक नहीं आया गाइस, क्या हो गया। अरे भाई साहब अपना फ्यूज कहाँ गया, अरे किसने चोरी कर लिया। ओ भाई ये टकला फिर से आ गया भाई यहाँ मेरे को परेशान करने, गाइस इसने मेरा फ्यूज तोड़ दिया। भाई जब ये नॉर्मल रहता है तो भाई यार बहुत प्यारा लगता है, लेकिन गाइस जब ये भूत बनता है भाई बहुत डराता है। गाइस तुझे क्या लगता है टकले, हमारे पास फ्यूज नहीं है भाई, हमारे पास डब्बा भर के फ्यूज है। गाइस टेंशन नहीं लेने का, ये लो भैया अब क्या करेगा। ओ भाई अपना ब्लू कलर का फ्यूज कहाँ गया गाइस, हमने यहीं पर तो लगाया था भाई, यार कौन ले गया। ओ भाई यार ये टकला ब्लू कलर का फ्यूज भी ले गया गाइस, अब इसको भी तोड़ देगा भाई यार। लेकिन गाइस टेंशन नहीं लेने का भाई, हमारे पास डब्बा भर के अभी फ्यूज पड़ा है ब्लू कलर का भी, तो चलो गाइस हम नया लगा देंगे, अब देखते हैं क्या करता है वो। रुको गाइस अभी तुम्हारे भाई के पास दिमाग आया है, ये लो भाई इसको हमने बंद कर दिया, अब इसको लगाएंगे और इसको भी बंद कर देंगे, उसके बाद कैसे निकालेगा भैया, अब मजा आएगा ना बीड़ू। ये लो हमने दोनों को बंद कर दिया। अरे भाई फिर से निकाल दिया क्या गाइस, हमने तो बंद कर दिया था भाई, यार कैसे निकाल सकता है गाइस। और गाइस यहाँ पावर भी नहीं आया है, मतलब गाइस सच में निकाल दिया है भाई। चलो गाइस इसको लगा कर देखते हैं, यहाँ पर एक फ्यूज पड़ा है, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओ भाई सच में निकाल दिया था, लेकिन गाइस हमने नया डाल दिया है अभी। चलो गाइस इसको चेक करते हैं, भाई यहाँ का निकाल लिया भाई यार। गाइस अब इस भूतिया बच्चे का कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाई हम कभी भी फ्यूज नहीं लगा सकते भाई, सबसे पहले इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा भाई, कहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा भाई यार। चलो गाइस इसको ना रूम से बाहर फेंक देते हैं भाई। ओ भाई दरवाज़ा लॉक है, मतलब गाइस हम इसको रूम से बाहर भी नहीं निकाल सकते भाई, हमें यहीं इसका कुछ करना पड़ेगा। चलो गाइस इसको ना हम यहाँ बंद करके देखते हैं भाई। ओ भाई ये तो बाहर निकल गया भाई यार, कहाँ जाएगा भाई ये। अरे गाइस कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है भाई यार, पता नहीं क्या करना है इस बच्चे का। ये ले मुन्ना इससे खेलेगा भाई, ये ले इससे खेल भाई, मेरे को परेशान मत करना। चलो गाइस हम ना एक बार फिर से फ्यूज लगा कर देखते हैं, और हमने ले लिया है ब्लू कलर वाला फ्यूज और गाइस हमने लगा दिया भाई, अभी तक पावर नहीं आया है। ओ तेरी गाइस यार इसने फिर से निकाल लिया भाई अपना पिंक वाला फ्यूज। गाइस यार अब हम फ्यूज नहीं लगाने वाले हैं, सबसे पहले भाई इसका कुछ करना पड़ेगा गाइस, कुछ तो होगा गाइस, कुछ तो होगा जिससे हम इस भूतिया बच्चे को यहाँ से भगा सकते हैं भाई। इस नंबर से कुछ कर सकते हैं क्या गाइस, भाई यार मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई अभी।
भाई यार यहाँ पर क्या दिया हुआ है गाइस? ओ भाई यहाँ कुछ दिया है भाई, इससे हम जरूर कुछ कर सकते हैं भाई। चलो यहाँ पर नंबर डाल कर देखते हैं। हम यहाँ डालेंगे 0 0 और लास्ट में क्या था 17, तो 1 और गाइस यहाँ पर आ जाएगा 7। भाई यार कुछ भी नहीं हुआ भाई। रुको गाइस, हमने यहाँ पर एक और नंबर देखा था भाई 43। चलो गाइस इसको डाल कर देखते हैं भाई, ज़रूर कुछ हो जाएगा ठीक ना। तो भाई यार जल्दी से चलो गाइस यार इस नंबर को डालते हैं। भाई यार क्या था, 4 4 आ गया अपना और गाइस 3। भाई साहब हमने खोल दिया गाइस। तो भाई यहाँ पर डालना है भूतिया बच्चे को। आजा मुन्ना अब आएगा ना मज़ा बिड़ू, तेरा घर मिल गया भाई, हम बंद कर देंगे तेरे को, ये ले मज़ा आया, बहुत उड़ रहा था भाई। तो गाइस हमने फाइनली भूतिया बच्चे को पकड़ लिया है और गाइस हमने बंद भी कर दिया है। तो वापस से हम एक बार फिर से लगाएंगे फ्यूज भाई। ये रहा हमारा ब्लू कलर का फ्यूज, हमने लगा दिया और गाइस यहाँ पर लगा हुआ है ठीक ना। हमें चाहिए पिंक कलर का फ्यूज, तो गाइस यार हम ले आते हैं पिंक कलर का फ्यूज भाई। यहाँ पर डब्बा भर के रखा है पिंक कलर का फ्यूज गाइस। चलो गाइस इसको लगा देते हैं भाई, बंद कर देते हैं भाई, पावर आ गया भाई। तो गाइस मुझे लगता है भाई अब हम जरूर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। तो भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं या फिर हमें पकड़ लेगा भूत भाई भूतिया बच्चा।